नमस्कार, आइए आज आपको ले चलते हैं अनोखी कहानी कुठीला झील की, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश की है। कुठीला झील से खफा विदेशी मेहमानों को मनाने की कवायद। फर्रुखाबाद जिले में परिंदों के लिए एक आरामदायक प्रवास मानी जाने वाली कुठीला झील से बीते लगभग 4 वर्षों से विदेशी परिंदे कुछ खफा हो गए हैं। तो कुछ शिकार के भय से झील की तरफ आने के लिए मन नहीं करते, तो कुछ गर्मियों के दिनों में झील के पानी के कम होने से प्रवास के लिए कतराते हैं। ग्रामीणों की माने तो बीते तकरीबन 4 वर्षों से कुठीला झील में आने वाले विदेशी पक्षियों की संख्या बेहद कम हो गई है। इसका कारण यह भी है कि प्रशासन की झील के प्रति अनदेखी को भी माना जा रहा है। फिलहाल प्रशासन ने बीते दिनों तक एक बार फिर झील को दुरुस्त करने का मन बना लिया है, लेकिन यह तो देखने वाली बात होगी कि अफसर कितनी रुचि लेते हैं। इस झील के सुंदरीकरण को लगभग 40 लाख का बजट भी आ गया है। कुठीला झील में नेपाल, मंगोलिया और हिमालय क्षेत्र से सर्दियों में प्रवास करने आते हैं। कुठीला झील अमृतपुर इलाके के नेपाल हुंसा गांव में 16 हेक्टेयर में फैली है। इसमें झील का रकबा 2 किलोमीटर है। फर्रुखाबाद बदायूं हाईवे के किनारे तहसील भवन से बमुश्किल 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुठीला झील का नजारा सर्दियों में देखते ही बनता है। वह बरसात में गंगा व रामगंगा का पानी आने पर झील लबालब हो जाती है। कई हेक्टेयर क्षेत्र में फैली इस झील में विदेशी पक्षी कलरव करते नजर आते हैं, लेकिन गर्मी शुरू होते होते पानी सूखने लगता है व झील में जलकुंभी ने काफी बीच में अपना कब्जा रखा है। गर्मी आने पर पानी की कमी के आसपास होने से पशु पक्षी तक पानी के लिए तरसते हैं। कुठीला झील के सुंदरीकरण के लिए कभी दिवंगत भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने अपने समय में काफी प्रयास किए, लेकिन उनकी हत्या के बाद झील का सुंदरीकरण फाइलों के बीच ही दब गया। 14 जून 2016 को झील में पक्षियों व मछलियों के शिकार की सूचना पर तत्कालीन एसडीएम हवलदार सिंह पहुंचे थे। उन्होंने झील के किनारे कटीले तार लगाने की बात कही, लेकिन एसडीएम की घोषणा केवल मीडिया की सुर्खियां बनकर खत्म हो गई। बीते वर्ष 2014 में तत्कालीन जिलाधिकारी एनकेएस चौहान ने कुठीला झील के सुंदरीकरण के लिए नए सिरे से काम शुरू कराया। वह मनरेगा के अंतर्गत ग्राम नगला हुसा के पूर्व प्रधान सुरेश कठेरिया ने लगभग 2.5 लाख रुपए में खुदाई कराई। एक नाला भी बनाया गया जो रामगंगा का पानी झील तक लेकर जाता, लेकिन वह प्रयास भी सफल नहीं हो सका। तत्कालीन डीएम अनुराग पटेल ने आदेश कर सुंदरीकरण का काम शुरू कराया है। प्रधान प्रबल प्रताप सिंह ने भी लगभग 2 लाख रुपए खर्च कर झील की खुदाई कराई। पशु पक्षी के बैठने के लिए बीच बीच में मिट्टी के टीले भी बनवाए गए, लेकिन पानी की व्यवस्था न होने के कारण झील हर साल गर्मी में सूख जाती है। वह इस कुठीला झील के आसपास पौधारोपण के लिए भी वन विभाग को आदेश दिए गए, लेकिन एक बार फिर यह योजना धरे की धरी रह गई। जनप्रतिनिधि भी इस ओर देखने में कोई रुचि नहीं लेते। कई बार लाखों रुपए खुदाई और सुंदरीकरण में भेंट चढ़ गए, लेकिन विदेशी मेहमानों को इसका समुचित लाभ अभी तक नहीं मिल सका। अब विदेशी मेहमानों को मनाने के लिए लगभग 40 लाख रुपए का बजट जारी किया गया। फिलहाल झील के किनारों को ऊंचा करने का काम चल रहा है। प्रधान नगला हुंसा प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि अभी झील के किनारे 15 फीट चौड़े और 9 फीट ऊंचे बनेंगे, जिन पर सफेद पत्थर भी लगाए जाने हैं। चारों तरफ पौधारोपण भी होगा। सुंदर टापू का निर्माण भी जिलाधिकारी निर्देश द्वारा होगा। झील में लगभग 1 महीने तक पंपिंग सेट से पानी चलाया जाएगा, जिससे पक्षियों को पानी मिल सके। इस समय उपस्थित है फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट की तहसील अमृतपुर में, जहाँ पर कुठला झील के नाम से प्रसिद्ध जाने वाली झील, यहाँ पर कुठला झील से खपा विदेशी मेहमानों की मनाने की कवायद शुरू की गई है। फर्रुखाबाद जिले में परिंदों के लिए आरामदायक प्रवास मानी जाने वाली कुठला झील से बीते 4 वर्षों से विदेशी परिंदे कुछ खपा हो गए हैं। कुछ शिकार के भय से झील की तरफ आने का मन नहीं बना रहे हैं। कुछ गर्मी के दिनों में झील के पानी कम हो जाने से प्रवास के लिए कतरा रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो यहाँ पर तकरीबन 4 वर्षों से विदेशी परिंदों की संख्या कुछ कम हो गई है। इसका एक कारण प्रशासन की झील के प्रति अनदेखी को भी माना जा रहा है। फिलहाल प्रशासन ने बीते दिनों एक बार फिर झील को दुरुस्त करने का मन बना लिया है, लेकिन ये तो देखने वाली
ये देखने वाली बात है कि अफसर कितनी रुचि लेते हैं कुठला झील के सुंदरीकरण के लिए। कभी दिवंगत भाजपा नेता स्वर्गीय श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने भी में काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उनकी हत्या के बाद इस झील का सुंदरीकरण फाइलों के बीच दबकर रह गया। अब विदेशी मेहमानों को मनाने के लिए इस झील का 40 लाख रुपए का बजट आया है, जिसके जरिए यहाँ का जो है ये जेसीबी मशीनों द्वारा इसका ऊंचाईकरण हो रहा है। ये चारों तरफ ऊंचाई का की जा रही है, जिससे यहाँ पर पानी रुके। और आगे देखते हैं प्रशासन के अधिकारी जो है इस झील का सुंदरीकरण करने के लिए कितनी छवि रखते हैं। टीवी न्यूज धन्यवाद। एसटीएन टीवी न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश।